कब जब फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल के आ गया हुआ है कि अभी तक एडवांस बुकिंग इस फिल्म के कितने हुए हैं। मैं ना पूरी लैंग्वेजेस के एडवांस बुकिंग की मैं बात करूंगा, साउथ साइड से कितना कमाया है, हिंदी बेल्ट से कितना कमाया है और ओवरसीज से कितना कमाया है। ओवरसीज का भाई प्रॉपर अभी रिपोर्ट नहीं निकल गया है, बट मोटा मोटी थोड़ा बहुत रिपोर्ट निकल के आ गया है कि वहाँ से इस स्टैंडर्ड की कलेक्शन कर रही है ये अपना कब्जा फिल्म। बट एक चीज़ है भाई, मैं तुम लोग को पहले ही बता दूँ, ये कलेक्शन जानने के बाद तुम लोग ही बोलोगे भाई ये फिल्म का 120 करोड़ जो बजट है वो बर्बाद हो गया। सच में यार, मतलब ये फिल्म ना कन्नड़ इंडस्ट्रीज की फिल्म, मजे की बात ये है जब से इस फिल्म का एडवांस बुकिंग खुला हुआ है कहीं भी पूरे इंडिया में एक भी इसके शोज ना अभी तक फुल नहीं हुए हैं। ये बहुत ताजुब करने वाली बात है यार। फैक्ट कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से ना कोई फिल्में आती है हिंदी बेल्ट में या फिर पैन इंडिया स्केल पर या फिर अपने सिर्फ वो लोग कन्नड़ लैंग्वेज में रिलीज करते हैं ना, फिर भी जैसे एडवांस बुकिंग खुलता है ना तो कम से कम 10-12 थिएटर तो एकदम हाउसफुल हो जाते हैं। बट एक कब्जा के साथ इसके एडवांस बुकिंग खुले हुए 3-4 दिन हो गए, बट अभी तक एक भी शोज इसके हाउसफुल नहीं हुए हैं और हिंदी बेल्ट में प्रॉपर इसके अभी तक शोज भी नहीं खुले हुए हैं। जहाँ जहाँ शोज खुले हुए हैं भाई एकदम, मतलब मेरे को लगता है ना 2-3% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। और इस फिल्म को जो डायरेक्टर है उन्होंने बताया हुआ था कि ये फिल्म को मीन्स कब्जा को हम लोग प्रॉपर ना 4000 थिएटर्स में रिलीज करने वाले हैं। और ये 4000 जो अमाउंट है ना काफ़ी बड़ा है किसी एक पैन इंडिया स्केल की फिल्म के लिए। बट अभी तक ये फिल्म ने टिकट मात्र बेचे हुए हैं 50,000 के आसपास पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे ओवरसीज को मिला ले। तो ओवरसीज का तो भाई तुम लोग इसमें ऐड मत ही करो क्योंकि ओवरसीज का जो रिपोर्ट ना फ्लैक्चुएट कर, बट अभी इंडिया से इस फिल्म ने अभी तक 40,000 से 50,000 के बीच में बुकिंग करा हुआ है टिकट्स के और वहीं 2 करोड़ के आसपास भाई इसके कलेक्शन बताई जा रही है एडवांस बुकिंग है। और ये जो कलेक्शन आ रही है ना इसमें भी बहुत फ्लैक्चुएट होता है, बुकिंग कुछ और होती है, कलेक्शन कुछ और बताया जाता है, थोड़ी बहुत इंक्रीज करके प्रोड्यूसर फिगर आते ही आते हैं। तो तुम इससे अंदाज़ा लगा सकते हो ये फिल्म का भी क्या हसर हो रहा है। जहाँ की फिल्म है वहाँ से एक थिएटर भी हाउसफुल नहीं है, ये सोचने वाली बात है। जब भी मैं कल वीडियो बनाया था मैं हिंदी बेल्ट को लेकर भाई बात ही कर रहा था कि हिंदी बेल्ट में भाई इसके कलेक्शन एडवांस बुकिंग बहुत ही भाई लो क्लास हो रही है। मतलब जितना उम्मीद मुझे ऐसा लग रहा था उस उम्मीद पे ये फिल्म ने कभी खरा ही नहीं उतरा है अपने एडवांस बुकिंग में। बट जब भी मैं ये कर्नाटका का चेक किया एडवांस बुकिंग में तो टोटली शॉक्ड हो गया यार कि कर्नाटका के लोग ही अपने फिल्म को भाई देखने के लिए एक्साइटेड नहीं है, तो भाई दूसरे स्टेट की पब्लिक कैसे एक्साइटेड हो। सो यहाँ ना सबके दिमाग में ना एक चीज़ तो भाई बैठ गया हुआ है कि ये KGF से मिलती जुलती फिल्म है। बहुत लोग कहना है KGF की कॉपी है, बट जब भी हम लोग फिल्म देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा एक्चुअल में ये फिल्म का क्या स्टोरी है। बट इस फिल्म के जो मेकर्स हैं खुद उपेंद्र सर ने बोला है KGF से कुछ लेना देना नहीं है इस फिल्म का, बट फिर भी पब्लिक टिकट बुक नहीं कर रही है। आई डोंट नो वाई यार, शायद सबको लगता है उपेंद्र सर का जो करिश्मा था वो अब थोड़ा ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर उपेंद्र सर अब वो स्टार के लेवल में नहीं आ रहे हैं, या फिर जो अभी के टाइम के जो यंग एक्टर लोग हैं कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्रीज के उनको ये मैच नहीं कर रहा, बहुत ऐसे रीज़न हो सकते हैं। बट मेरे वैसे ना भाई टिकट बुक करनी चाहिए क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि सिनेमेटोग्राफी के अलावा ना कहीं से भी फिल्म की स्टोरी मिलती जुलती तो दिखाई नहीं दे रही है कब्जा और KGF के। KGF में रॉकी बाबा नॉर्मल घर से होता है, गरीब घर से उठ के बड़ा सा डॉन बनता है, और वहीं अगर कब्जा की देखे तो कब्जा फिल्म में तो ऐसा ट्रेलर देख के लग रहा था कुछ एक सीन में जो उपेंद्र सर है वो पुलिस के कपड़े पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके बाद गैंगस्टर बने हैं, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न है। देन उसके बाद किच्चा सुदीप हैं, अपने ये शिवराज अन्ना है, डॉक्टर शिवराज कुमार सर हैं, ये तीनों की तीड़ी भी ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर रही है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता है ये तीनों के तिगड़ी को देखने के लिए ना कर्नाटका के लोग तो पगला जाएंगे। बट बहुत सैड करने वाली चीज़ें निकल के आ रही है यार। होप सो आने वाला टाइम में पब्लिक इस फिल्म को लेके टिकट बुकिंग करे। अब आने वाला क्या टाइम, कल ही फिल्म रिलीज़ होने वाली है, आज रात तक जितना हो सकता है हो सकता है, बाकी तो कल से ही भाई इस फिल्म का कलेक्शन ही स्टार्ट हो जाएगा।
नॉर्मल कलेक्शन। सो ये थोड़ा सा ताजुब करने वाले चीज़ें हैं अगर तुम सोचो तो, क्योंकि ये फिल्म का बजट 120 करोड़ है। सच बोल तो ट्रेलर भाई एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है इस फिल्म को लेके, लेकिन पब्लिक क्यों नहीं टिकट बुक कर रही है, आई डोंट नो। तुम्हारे वैसे क्या लगता है, क्या रीज़न है कि पब्लिक टिकट क्यों नहीं बुक कर रही है, बताओ ना। 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास पूरे ऑल ओवर इंडिया से इस फिल्म का कलेक्शन आ रहे हैं। देखते हैं भाई कि आज के दिन पे शाम तक क्या सीन निकल के आ रहा है ये फिल्म के एडवांस बुकिंग में। जैसा होगा मैं तुम लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए तुम लोग बताओ कौन कौन जा रहा है ये फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने, क्योंकि मैं तो जाऊंगा यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, ये वीडियो तुम सबको जरा भी पसंद आया है प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो।